रीढ़ की हड्डी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। उमा एक पढ़ी लिखी शादी के योग्य लड़की है जिसके पिता राम स्वरूप उसकी शादी के लिए चिंतित हैं और आज उनके घर पर लड़के वाले यानी कि बाबू गोपाल प्रसाद जो कि पेशे से वकील हैं और उनका लड़का शंकर जो बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उमा को देखने आ रहे हैं। चूंकि रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर रतन के साथ अपने घर के बैठक वाले कमरे को सजा रहे हैं। उन्होंने बैठक में एक चारपाई रख कर उसमें एक नया चादर बिछाया फिर उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाकर उसके ऊपर सजा दिया। रामस्वरूप जमीन में एक नई दरी और टेबल में नया मेजपोस बिछाकर उसके ऊपर गुलदस्ते सजाकर कमरे को आकर्षक रूप देने की कोशिश करते हैं। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आकर कहती है कि उमा मुंह फुलाकर बैठी है। इस पर रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह उमा को समझाए क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें एक रिश्ता मिला है इसलिए वह अच्छे से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आए। दरअसल उमा के पिता किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं लेकिन प्रेमा कहती है कि उसने उमा को बहुत समझाया है लेकिन वो मान नहीं रही है। तो इस पर रामस्वरूप अपनी पत्नी को दोष देते हुए कहते हैं कि यह सब तुम्हारे ज्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा है। अगर उमा को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया होता तो आज वह कंट्रोल में रहती। रामस्वरूप फिर अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह उमा की शिक्षा की सच्चाई लड़कों वालों को ना बताए। दरअसल उमा बीए पास है और लड़के वालों को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए इसलिए रामस्वरूप ने लड़के वालों से झूठ बोला है कि लड़की सिर्फ 10वीं पास है। प्रेमा की बातें सुनकर रामस्वरूप थोड़ा चिंतित होते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह के वक्त लड़की के साज श्रृंगार का क्या महत्व है लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं कोई बात नहीं वो वैसे ही सुंदर है। लड़के वालों को नाश्ते के लिए मिठाई नमकीन फल चाय टोस्ट का प्रबंध किया गया है लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन खत्म हो चुका है इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेजते हैं। बाजार जाते वक्त नौकर को घर की तरफ आते मेहमान दिख जाते हैं जिनकी खबर वह अपने मालिक को देता है। ठीक उसी समय बाबू गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल होते हैं लेकिन गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलकती है और आवाज से ही वो बेहद अनुभवी और फितरती इंसान दिखाई देते हैं। उनके लड़के शंकर की आवाज एकदम पतली और खिसियाहट भरी है जबकि उसकी कमर झुकी है। रामस्वरूप ने मेहमानों का स्वागत किया और बातें शुरू कर दी और बातों बातों में दोनों नए जमाने और अपने जमाने की तुलना करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप चाय नाश्ता लेने के लिए अंदर जाते हैं। रामस्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू रामस्वरूप की हैसियत आंकने की कोशिश करने लगते हैं। वह अपने बेटे को भी डांटते हैं जो इधर उधर झांक रहा था। वह उससे सीधी कमर कर बैठने को कहते हैं। इतने में रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद असल मुद्दे पर यानी कि शादी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जन्म पत्रिका मिलाने की बात पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने दोनों जन्म पत्रिकाओं को भगवान के चरणों में रख दिया है। बातों बातों में गोपाल प्रसाद अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने अपने लड़के को उच्च शिक्षा दी है इसलिए उन्हें बहुएं भी ग्रेजुएट लानी चाहिए।
तो इस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि वो लोगों को कहते हैं कि लड़कों को पढ़ लिख कर काबिल होना तो ठीक है, लेकिन लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ लिख जाएं और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग जाएं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। वो आगे कहते हैं कि मुझे बहुओं से नौकरी नहीं करानी है। फिर वो राम स्वरूप से उनकी लड़की उमा की सुंदरता और अन्य चीजों के बारे में पूछते हैं। राम स्वरूप कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। इसके बाद राम स्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है। उमा की आंख पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चश्मे के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उमा का यह चश्मा पढ़ाई के कारण लगा है। तो इस पर राम स्वरूप झूठा कारण बताकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के बारे में पूछते हैं तो उमा मीरा का एक सुंदर गीत गाती है। उसके बाद वह पेंटिंग्स, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में भी पूछते हैं। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह कोई उत्तर नहीं देती है। यह बात गोपाल प्रसाद को खटकती है। वो उमा से प्रश्नों के जवाब देने को कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से जवाब देने के लिए कहते हैं। तब उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज में कहती है कि क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है। दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। ठीक उसी तरह यह महाशय भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। तभी राम स्वरूप उमा को टोकता है और यह सब सुनकर गोपाल प्रसाद नाराज होने लगते हैं। लेकिन उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं जरा उनसे पूछिए क्या लड़कियों के पास दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती है। तो इस पर गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या उन्हें यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया है। उमा जवाब देते हुए कहती है कि आप इतनी देर से मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रहे थे, क्या यह हमारी बेइज्जती नहीं है। साथ में ही वह लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से करते हुए कहती है कि उन्हें शादी से पहले ऐसे जांचा परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरियां खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांच परख करता है। वो उनके लड़के शंकर के बारे में बताती है कि किस तरह पिछली फरवरी में उसे लड़कियों के हॉस्टल से बेइज्जत कर भगाया गया था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। उमा जवाब देते हुए कहती है उसने बीए पास किया है, ऐसा कर उसने कोई चोरी नहीं की, उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा, उनके पुत्र की तरह कोई आवारा गर्दी नहीं की। अब शंकर और उसके पिता दोनों गुस्से में खड़े हो जाते हैं और राम स्वरूप को भला बुरा कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, मगर घर जाकर यह पता अवश्य कर लेना कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर वहां से चले जाते हैं। उनको जाता देख राम स्वरूप निराश हो जाते हैं। पिता को निराश हताश देख उमा अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। तभी नौकर मक्खन लेकर आता है और कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी की शिक्षा, रीढ़ की हड्डी इंसान के शरीर का मुख्य हिस्सा होती है जिसमें इंसान का पूरा शरीर टिका रहता है और संतुलित भी रहता है। ऐसे ही इंसान का आत्मविश्वास और स्वाभिमान भी होता है जिसमें उसके पूरे जीवन की नींव मजबूती से टिकी रहती है। हमारे समाज में कुछ पुराने रीति रिवाज और परंपराएं भी हैं जिनका समय के हिसाब से और इंसान के भले के लिए बदलना और लचीला होना आवश्यक है। ऐसे ही एक रूढ़िवादी परंपरा जो बरसों से हमारे देश में चली आ रही है वह है
लड़की देखने के नाम पर लड़की के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना और लड़की के पिता की हैसियत को आंकना आदि। लेखक ने कहानी की नायिका उमा को पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी लड़की के रूप में दिखाया है। वह अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहती है और उसने जो भी किया वह अपने भविष्य के लिए अच्छा ही किया। जबकि शंकर पढ़ा लिखा लड़का होने के बावजूद भी अपने पिता की मानसिकता में उनका साथ देता है और चुपचाप बैठकर तमाशा देखता रहता है। उमा के गुणों के आगे शंकर कहीं नहीं ठहरता है। फिर भी गोपाल प्रसाद अपने पुत्र के दोषों को ना देखकर उसकी सराहना करता है और उमा के दोषों को ढूंढने की कोशिश करता है।